अरे भाई मैंने देख लिया, फ्लो डुओ पर पूरा देख लिया, इसका नाम ही नहीं है भाई, सोलो में है ही नहीं इसका नाम। केडीएस इसका मैं बताता हूँ, इसका 27 का टीडीएस 27 का। हाँ मैं बोला था ना रेस मास्टर पे सोलो, कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं। बंदे के पास जाता है, बोलता है कि 50 रुपये फोन पे कर, चिकन डिनर दिलवाऊंगा, नहीं तो मारता है। पिछली वाली मैच में मुझे वही बोल रहा था ये। भाई क्या है करे भाई। तो फिलहाल के लिए मेरा रैंक एंड टीयर यार क्राउन 4 पे 75 पॉइंट्स के आसपास चल रहा था। आपका रैंक एंड टीयर क्या चल रहा है कमेंट करके ज़रूर से बता देना। एंड यार इस मैच की बात कर लेते हैं, इस मैच में यार मेरे 0 किल्स थे लास्ट जोन के आसपास। एंड देखो फिर कैसे किल निकालता हूँ। फिलहाल के लिए कैसे साइड से एक बंदा स्प्रे देता है मेरे बग्गी पे एंड पीछे का टायर फोड़ देता है, बट यार देखो यहाँ पे कैसे सर्वाइव करके उस बंदे को किल करता हूँ। अब यार मैं इस बंदे को किल करने के बाद स्क्वाड हाउस में जाता हूँ एंड वहाँ पे एक यूएजेड लगी होती है ऑलरेडी, जिसमें कि एक बंदा होता है एंड ऊपर भी एक बंदा होता है। तो दोनों ने टीम अप किया था यार, बट यूएजेड में जो बंदा बैठा था वो ऑफलाइन था। तो देखो इन दोनों को कैसे मारता हूँ मैं। अब यार रेडी हो जाए खतरनाक किल के लिए। यहाँ पे यार उस बंदे के पास एमके होती है एंड मेरे पास टॉमी। अब यहाँ पे यार नेक्स्ट जोन बन चुका था तो फिर मैं उस बंदे की यूएजेड लेके आ जाता हूँ एंड इस पत्थर के पास वेट करता हूँ। फिलहाल के लिए गाइस सामने की तरफ स्मोक हो रखा था एंड मुझे पता नहीं था कितने बंदे हैं, इसलिए मैं यहीं पे वेट करता हूँ एंड फिर पीछे से यूएजेड आती है। फिर देखो
यहाँ पे यार नेक्स्ट जोन बन चुका था, इसलिए मैं स्नाइपर वाले बंदे के साथ फाइट अवॉइड करता हूँ थोड़ी देर के लिए, एंड अपने यूएसएड के पास आके थोड़ी देर वेट करता हूँ। अब फिलहाल के लिए गाइस इस जोन और भी छोटा हो चुका था, तो इसीलिए मैं पत्थर के पास जाता हूँ कवर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जोन भी था। एंड इतने में मुझे एक बंदा स्पॉट होता है जो कि जोन इन कर रहा होता है स्मोक करके, देखो फिर। अब यार ये बंदा मेरे साइड आने की कोशिश कर रहा था, तो मैं इसे स्प्रे देके थोड़ा सा मतलब डैमेज कर देता हूँ। एंड यार फिर भी ये बंदा मेरी साइड आता है, तो देखो इसकी पेटी बनाता हूँ। बट यार ये बंदा भी बहुत मस्त खेला, इसने मुझे 1 HP तक कर दिया था। अब यार इस बंदे ने मेरी वेस्ट पूरी के पूरी ख़त्म कर दी थी, तो मेरे पास फिलहाल के लिए कॉइन्स पड़े थे, तो इसलिए मैं तुरंत ही लेवल 3 की वेस्ट मंगा लेता हूँ। फिलहाल के लिए गाइस 1v2 की सिचुएशन हो चुकी थी, एंड सामने की तरफ स्मोक करके एक बंदा डासिया लेके आता है। मैं उसके ऊपर ग्रेनेड भी ट्राई करता हूँ, बट यार मेरे ग्रेनेड ट्राई करने से पहले ही उसे DP से एक बंदा फिनिश कर देता है। अब यार इस DP वाले बंदे की मुझे लोकेशन नहीं पता थी, बट यार ये गाड़ी के पीछे या फिर पेड़ के पीछे ही था, तो फिर मैं सबसे पहले तो पेड़ के पीछे एक ग्रेनेड ट्राई करता हूँ। अब यार इस बंदे ने भी ग्रेनेड ट्राई किया एंड मैंने भी, बट यार किसी का ग्रेनेड काम नहीं आया, तो ये बंदा स्मोक करके मेरा व्यू ब्लॉक करता है। बट यार मैं साइड से जाके एक और ग्रेनेड करता हूँ गाड़ी के पास, बट यार पता नहीं कैसे ये बंदा बच जाता है वहाँ पर। अब यार इस बंदे ने स्मोक करके गलती कर दी थी, फिलहाल के लिए यार ब्लू जोन स्टार्ट हो जाता है। एंड इसी बंदे के स्मोक के आड़ में आके मैं और भी स्मोक कर देता हूँ, ताकि इसका स्मोक खत्म होने के बाद उससे मुझे कवर मिल सके। एंड यार मैं जैसे ही जोन इन करता हूँ, तो ये बंदा सामने ही पत्थर के पास आके लेटा होता है, तो इस बंदे को ईजिली फिनिश कर देता हूँ। अब इस मैच के बाद यार मुझे 32 का प्लस मिल जाता है, जो कि क्राउन लॉबी में बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी एक और नई वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय।